मुंबई से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिली है। पुलिस ने बताया कि मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक धमकी भरा मैसेज मिला है। पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए इस मैसेज में मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया और कहा कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी चाहिए, ऐसा न करने पर जान से मार देंगे। हमारी गैंग आज भी सक्रिय है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से ऐसी धमकियों का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। हर एक धमकी को बड़े सीरियसली बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। इससे पहले भी कई धमकियां मिल चुकी हैं, हालांकि उसमें यह पता चला कि उनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना था नहीं। अब एक नई धमकी, दीपेश हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपेश, जो मैसेज मिला है उस मैसेज में क्या क्या लिखा है, मैसेज भेजने वाला कौन है? राजीव, देखिए मुंबई पुलिस, मुंबई ट्रैफिक पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर एक मैसेज आया था कल रात को। जो अधिकारी उस समय कार्यरत थे उन्होंने ये मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई की भाई की तरफ से बोल रहा हूँ, सलमान खान को हमारा जो राजस्थान में मंदिर है बिश्नोई समाज का वहाँ जाकर माफ़ी मांगे या 5 करोड़ रुपए दे, और अगर ऐसा नहीं किया तो उनका बुरा हाल होगा। और साथ ही हमारी गैंग आज भी उतनी ही एक्टिव है। साफ तौर पर यह धमकी भरा मैसेज था जो मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को आया था, लेकिन पुलिस इस मामले की अभी भी जांच कर रही है कि इस मैसेज के पीछे कौन है। वर्ली पुलिस स्टेशन में इस संदर्भ में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने एक टीम भी बनाई है जो इसकी जाँच कर रही है, जो उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने यह मैसेज भेजा था। हालांकि इस मैसेज के पीछे कौन है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इस मामले को जो है पुलिस काफी गंभीरता से ले रही है। राजीव जी, दीपेश शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 5 करोड़ रुपए की मांग भी की गई है, यह भी कहा गया कि मंदिर में जाइए हमारे और वहां पर माफी मांगिए, लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है।